أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ठीक होंगे। इसी दुकान में शुरू कर दी। शुरू करने से पहले छोटी सी अर्जा देश भर भावों ने महाबले ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, बेल का बटन लाजिम प्रेस करने के आने वाली हर वीडियो भैन भरावान तक बार वक्त पहुँचती रहे। अच्छा जी, वीडियो कैसे इस तरह की है? माशाल्लाह गार्डन मकान साढ़े किचन पै गया, माशाल्लाह तैयार हो गया वा। तो टीयर आँगे फरमैश दिने सुन लिया मेरे भैन भाइयों ने जी, मेरी तरफ भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु। अच्छा जी, चढ़ाई साड़ी हो गई है फाइनल, वाशरूम की भी किचन की भी। तो वो जो जैसा कि असं बहन भाई ने पहले भी दिखाया फिर दिखाने, देख सकते हैं इनकी भी साड़ी चढ़ाई फाइनल आ। इस चीज़ की किचन की भी फाइनल आ। इनकी हम दें पमैश, मैश करके मुड़ के असी भेजते हैं असवीर को, तो वह अपना स्टीयर गार्ड लैके आना, फिर छत का जो काम सा हो जाए, क्योंकि छत साड़ी रुकी खड़ी दो दिन हो गए, सानू छुट्टी कर दें। सानू कोशिश यही है कि जल्दी जल्दी साडा काम फाइनल हो जाए। ठीक है सर, किचन की पमैश आ गई जी, फुट पूरा पूरा 11 फुट का गादर आ गया 8 फुट 2 इंच 8 फुट 2 इंच 9 8 फुट अपना अंदर 7 फीट पै रहे। ठीक है, चौड़ाई हैगी 5 फुट 5 इंच 3 फीट 5 इंच बेगम बुलाने। बेगम बाहर आ जा रहा, कितने अंदर की खांदी आ रही, दंद कढ़दी आ रही? अच्छा, काम लागे तो निबड़ गया वा। साड़ी पमैश की हुई जी, उन्होंने छोटू भी रासा भी भेजी सी, टीयर गार्डर लैके मेरा ख्याल बारह रक्षा आ गए ने। टीयर गार्ड लवाने, टीयर गार्ड लवा के फिर उन्हें रंग करना वा, तो बस तैयारी कर लो, चुक मजदूरी नहीं देनी, आप ही करने। ठीक है ना, तो चलते जी बाहर रंग शंग कर दे। माशाल्लाह अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला, अल्लाह लाख ते करोड़ बड़ी शुक्र अदा कर रहे हैं। किचन के टीयर और गार्डर भी आ गया हो, देख सकते मेरे भैन भाई, और परे वाशरूम के भी टीयर आ गए ने। कि दो दिन तो बहुत परेशानी बनी सी कि चढ़ाइया फाइनल करके, दो दिन हो गए से वेला सी कि टीयर आन, तो छत का समान आ जाए, तो ये भी साड़ी छत फाइनल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया उन्होंने भैन भाइयों का जिन्होंने किचन की और वाशरूम की छत भी माशाल्लाह जी देती है। तो आई आसफ वीर उन्होंने थ्रू, छोटू वीर उन्होंने थ्रू, तो सुबह भी मैं यही परेशानी सीगा कि छत अज भी नहीं पता नहीं आनी, तो की बनेगा। तीसरा दिन हो जाना, दो दिन हो गए तो छुट्टी की ना, भी छत पता नहीं आती या नहीं आती, की मसला, क्योंकि गरीब आदमी ने यही होंगे भी जोड़ा भी दिन लग जाए लग जाए, क्योंकि अपनी मेहनत मजदूरी करनी, बच्चों की रोज़ी भी कमाई, ईद सिर पर आ रही है। सो कपड़ा लीड़ा जुत्ती वगैरह भी लैनी है, तो अलहमदुल्ला छोटू भीर लैके छत पहुँच गया सीगा। आसफ तो नहीं आया, कोई थोड़ा मसरूफी सी, तो उन्होंने फोन पर रबता करता सी कि छत असी भेजते पे, तो लवाई है हूँ असी करते पे रंग जी बेहतरीन। बेगम भी छापट चकन गई, वह भी लैके आँगी, तो सारे रल मिल के करते हैं रंग जी। रंग असी लिया काला, तो निकल कि रंग करने मैं तो है नवा, जो असल पेंट रंग सा है इधर खड़े
फतेहपुर चो आए ने माशाला जे घर वास्ते मेरे पहले भी आंदे फिर आए ने की हो रहा वा कितों तक पहुंच गया। बड़ी खुशी है कि जेहड़े भैन भाई इस तरह काम कर रहे हैं औखे सौखे खुशी के मौके जा के मंगते रहना बड़ी खुशी होंगी आ दिल बड़ा खुश हों वा अल्लाह करे। अच्छा आ हो गए बाथरूम दे। हाँ जी आ बाथरूम दे ते ए जड़े अगे किचन दे आ किचन दे ते गार्डन भी किचन दा गार्डन भी किचन दा। अच्छा चलो अच्छा अल्लाह पाक यार पलाक अल्लाह पाक दुआ मंगया करो उन्हां दे हक च जेड़े थानू अंदाज कर आमीन आमीन सारा हमेशा दे हक च बहुत बहुत ज्यादा दुआ मंगी उन्हां दे मां प्यो दे हक च दुआ मंगी उन्हां दे बच्चियां दे उन्हां दे माल रिज़क दे दुआ मंगी। हां जी बिल्कुल जी सर हर वक्त दे असीं यार इन्ने जो बिल्कुल हर वक्त दे ना असीं उन्हां भैन भाईयां दा शुक्रिया अदा करदे शुक्रिया अदा करया ते क्योंकि असीं इत्थों तक नहीं जा सकदे नहीं सी जा सकदे मां 2 दिन पहले ना कोई छत मेरे कोल आई आईयां लागे बहुत परेशान सी कि पास नहीं आई ते अस वीर नूं वी दस दित्ता छोटो ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੈਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਛੱਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਮੋੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਂ ਤਾਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਆ ਮਾਸ਼ਾਲਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਟੀਅਰ ਲਾਏ ਆਣ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਛੋਟੂ ਵੀਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੰਗ ਦੂੰਗਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਦੱਸੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਕੇ ਛੱਤ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਟੈਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਰਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਨੇ ਇਹ ਟਾਇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟਾਇਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਟਾਇਲ ਦਾ ਅਲੱਗ ਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਫਰੇ ਕਬਰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਚੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਜਾਇਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਆ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਨੇ ਵੇਖ ਯਾਰ ਜੈਲਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੇਖ ਹੁਣ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਵਾਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਸਰੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਮੁੰਗ ਕਈ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਵੈਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਾਣਜਾ ਵਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਔਜ਼ਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਜ਼ਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਰਜ਼ੀਆ ਰਫੀਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਬਾਤ ਚਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ ਪੈਸੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਬਾਤ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਰਮਾ ਜਿਹਾ ਕਿਧਰੋਂ ਉੱਥਿਆ ਪੇਚ ਪਾ ਕਿਧਰੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗ ਮੁੰਗ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਮਾਮੂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਵੈਰੰਗ ਉਹ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 2 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਥਾਣੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਰੰਗ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਓ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂ ਫੂਕਾ ਮਾਰੀ ਰੰਗ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਦੋਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਚਲੋ ਪਤਾ ਕਰ ਜੀ ਅੱਛਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਰੇ ਰੰਗ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਓ ਬਾਕਸਾ ਰੱਖੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਪਰ ਬਾਅਦ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ रंग सादा दी आ रंग नहीं करना आंदा ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਹੌਲ ਵੀ ਇਹ ਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ
चलो ठीक है भाई जिम्मे कर करी बाकी करते हैं दो मिनट तो बाद पहले पानी शानी पीए मेहमान भी है भैन भाई बाकी जो भी स्टेटस हो इंशाल्लाह भैन भाई शेयर करा माशाल्लाह रंग जरा पैपसी कलर लिया कला से लेकिन नसीब मुकद्दर वैसे यही सोहना लगना सी पैपसी कलर निकलिया पैपसी कलर लिया जी रंग गार्डर टीयर वाशरूम दिन भी सारे हो गए हैं तैयार अल्लाह का लख तो करोड़ भी कर शुक्र अदा करते हैं तो बहुत बहुत शुक्र या अदा करते अपने भैन भाइयों का कि जिन्होंने सानू इत तक पहुँचाता एक वांसा तो काने छत्तों तो सानू टीयर गार्डर की छत्त देती बहुत बहुत शुक्रिया भैन भाइयों का जो सामने मेरा घर आ फिर असी टीयर गार्ड इतें लवा ले बाकी लथन दे जिस टाइम लैके आया छोटू भीर की तुम वीडियो देख सकते हैं कि उस टाइम फिर मैं वीडियो तो नहीं बनाई हैगी तो उन्हें बनाई है बाकी असी मैंने रंग शंग किया सारा मसलम पै जरा असी दोपहर आप ही लगे रहे बेगम लगी रही और मैं लगा रहा वो तुम्हें देखिया भैन भाइयों ने सारा मछरा रंग हो गया फाइनल और हो गया तैयार ये सुकदा सुबह इंशाला असी टीयर उचारा एक सिर्फ किचन की टायल की थोड़ी प्रॉब्लम हैगी भी ला खैर करे आ जाएगी तो बहुत बहुत शुक्रिया भैन भाइयों का अल्लाह मेरे भैन भाइयों सेहत और तंदुरुस्ती दे अल्लाह पाक मेरे भैन भाइयों हज उम्र करावे जी उन्होंने बच्चों हज उम्र करावे जी और मदीने वाली जियारत करा रहे और हमेशा अल्लाह पाक की जात अपनी रहमत का खास साया रखे मेरे भैन भाइयों कोई परेशानी ना दे मेरे अल्लाह पाक मेरे भैन भाइयों जिन्होंने सानू इतों तक प्यार खुशियां दित्तियां इस तरह ही मेरे भैन भाइयों अल्लाह तक हमेशा हमेशा खुश रखे और उन्होंने बच्चों ने भी खुशहाल रखे जी तो बाग में पानी लग गया माशाला बाग भी बहुत ही प्यारा लग रहा क्योंकि इन्होंने वेजे तिल तो तिल भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं तो नहर की भी वा आ गई है तो नहर की पानी है बारी है वो अगर चलते हुए लगते हुए बाकी माशाला देख सकते मेरे भैन भाई इतों घर उच्चा हो गया मेरा लगता सोहना लग रहा छत पै गई तैयारी होगी तो होर माशाला बेहतर लगेगा बाकी बाली दीवार जी सा थोड़ी जी रह गई है यून प्लस्तर कर दें उस तो बाद देखा इन्हें आले पास फिर बाद एंड ते आवेंगे क्योंकि जिदने ढाणा पड़ता उस दिन ही पूरा करना क्योंकि सड़क बहुत ज़्यादा चलती है तो इन वास्ते फिर इतने पता गुंजाइश निकली तो बच गई तो फिर करा ना निकली तो फिलहाल इन रोका इतें ही जरा खड़ा यही खड़ा रहेगा बाकी वीडियो तो वैसे इतने एंड कर देगा मेरे मेहरबानी जो पसंद आई लाइक शेयर जरूर करे जे अपन दुआव सू हमेशा याद रखा असं हमेशा ही अपने भैन भाइयों याद रखते हैं मिलेंगे नैक्सट वीडियो हम दी इजाजत अल्लाह हाफिज़।